बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी बताएं, आवाज बहुत ठीक है दोनों? हाँ जी, कल जो है वो हमने डिस्कशंस की थी, IS 38 हमारा चल रहा है, और उसमें हमने जो है वो डिस्कस किया था कि इंटेंजिबल एसेट जो है वो तीन तरह के हैं। एक है जो हम एक्वायर करते हैं मार्केट से। हाँ जी बिल्कुल, आज पार्क में चला गया। अच्छा जी, फिर दूसरे हैं जो बिजनेस कम्बिनेशन से आते हैं, और तीसरा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि हमने बात की थी, तो वही जो हमने एनपीओ में भी डिस्कस किया था। उसकी एग्जांपल्स आपसे कही थी कि आपने करनी है, तो एग्जांपल्स कर ली आपने। ये रिसर्च की एग्जांपल्स हैं। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन से जी पूछे। अच्छा, सबसे पहले ना मैं ये डिस्कस कर देता हूँ जरा एग्जांपल्स। किससे रिलेटेड है क्वेश्चन? रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड है या इससे पीछे? पीछे वो पहले पूछ लें आप, वो पहले पूछ लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स डेवलपमेंट नहीं होगी? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स जो है वो डेवलपमेंट है। डेफिनेशन ही है डेवलपमेंट की, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। ये देखिए, हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, 1.13 था मेरा ख्याल है। और हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स डेवलपमेंट है। कॉम्पैक्ट डिस्क और लाइसेंस की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है तो वो इनटेंजिबल कैसे? कागज में कुछ लिखा हो तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। अगर आप कागज पे लिख दें प्लांट, तो क्या वो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो गई? बताएं मुझे, नहीं है ना। तो इस तरह लाइसेंस है, एक कागज मिला आपको, फिजिकली तो कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। एसेट है लेकिन फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसकी कागज एक पेपर है। पेटेंट है, आपने रजिस्टर करा लिया, रजिस्टर कराते हैं तो बकायदा तौर पे आपको रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है, स्टैंप लगती है, साइन होते हैं, वो मिलता है, लेकिन पेटेंट फिजिकली तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना। इस तरह से कागज तो होंगे लेकिन फिजिकली कोई चीज नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है और क्या पूछा आपने? कॉम्पैक्ट, इसी तरह सीडी वगैरह जो है, असल में सीडी की सेल्फ क्या वैल्यू है? वैल्यू तो उसकी होती है जो सीडी के अंदर होता है। आप जो सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, सीडी जो है वो तो वैसे ही हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन उसमें अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदें, उसके पैसे दें, तो वो सॉफ्टवेयर तो नजर नहीं आता ना। ठीक है, अच्छा जी, 2.1 एग्जाम्पल थी कि पीपी होगा सॉफ्टवेयर। हाँ जी, 2.1 जो है इस पर बात कर लेते हैं जरूर। हमने क्या किया, एक कंप्यूटर बाय किया, और उसके साथ एक सॉफ्टवेयर हमें मिला, जो हमने उस कंप्यूटर में मिला नहीं, जो हमने उस कंप्यूटर में इंस्टॉल कराया। आप बताइए, दो चीजें हैं, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल है? हाँ जी बता दें, सॉफ्टवेयर टेंजिबल हो गए, कंप्यूटर तो टेंजिबल है ही है, कंप्यूटर जो है वो टेंजिबल एसेट है। सॉफ्टवेयर टेंजिबल होगा कि इंटेंजिबल होगा? हाँ जी, हमें ये देखना होगा कि जो सॉफ्टवेयर है क्या ये नेसेसरी है टू ऑपरेट कंप्यूटर, उसके बगैर कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता,
ये चेक करना है हमें, सबसे पहले ये देखना है। मसलन विंडोज, आप मुझे बताएं आप कंप्यूटर लेते हैं उसमें विंडोज इंस्टॉल कराते हैं, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? पैसे लगते हैं कि नहीं? पैसे लगते हैं, ठीक है। फिर होता है कि विंडोज कौन सी, लाइसेंस विंडोज 20,000 रुपये लगता है लाइसेंस विंडोज इंस्टॉल करवाने का। विंडोज के बगैर कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो विंडोज उसमें इंस्टॉल करवाएंगे, ये जो है नेसेसरी है, ये कंप्यूटर का पार्ट कंसिडर होगा, टेंजिबल का। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर अपनी नीड के लिए उसमें इंस्टॉल कराते हैं अलहदा से, जिनका कंप्यूटर की रनिंग से ताल्लुक नहीं, कंप्यूटर चलता रहेगा, तो जो सेपरेटली आप जो है वो इंस्टॉल करवाते हैं, सेपरेटली मीन्स जो नेसेसरी नहीं है, तो वो अलहदा से इंटेंजिबल एसेट होंगे, ठीक है। जेएमएस ऑफिस हुआ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हुआ, ये सारे विंडोज का पार्ट होता है। क्या हो गया, इसके बगैर तो चलता ही नहीं है कंप्यूटर। आप जो है वो गेम्स इंस्टॉल करवाते हैं, गेम्स महंगी महंगी गेम्स होती हैं कंप्यूटर में, 5,000-5,000 रुपए की गेम इंस्टॉल होती है, नेट से तो फ्री मिल जाती है ना, तो आप गेम्स इंस्टॉल कराते हैं, वो गेम्स सारे आपके इंटेंजिबल एसेट हैं, ठीक है, वो आपके टेंजिबल एसेट नहीं है इस तरह से, ठीक है, समझा गई। हाँ जी, PS5 आपने खरीदा और आपने कहा जी इसमें कंप्यूटर, इसमें वो फुटबॉल की गेम इंस्टॉल करानी है, 8,000 रुपये 10,000 रुपये देते हैं इंस्टॉल करने का, वो नहीं, वो अलहदा से, वो इंटेंजिबल होगा। तो बस एक विंडोज जो है, विंडोज में सारा कुछ होता है ना, विंडोज में एमएस ऑफिस वगैरह और ये एंटी सॉफ्टवेयर सारा कुछ होता है। चलो जी, जो भी है, मैं वैसे एग्जाम्पल दी है एक, तो ये 2.1 में ये डिस्कस हुआ था, सादा सी बात कि अगर जो है सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर को रन करने के लिए नेसेसरी है तो उसे कंप्यूटर का पार्ट बना दें और उसे इंटेंजिबल एसेट बना दें, ये 16 में। और अगर उसके बगैर कंप्यूटर चलता है और आप एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर उसमें जो इंस्टॉल करवाते हैं तो उनको फिर आप इंटेंजिबल एसेट ट्रीट कर लें, ठीक है जी। और बताएं, और 3.5.2 ये 3.5.2 है कुछ नहीं, ये तो एक्सचेंज ऑफ एसेट नहीं पढ़ते, इसके ऊपर देखें जरा क्या लिखा हुआ है, एक्विजिशन एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, और इसमें वो उन्होंने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है ना, ये वो पॉइंट है कि आप जो है वो एक एसेट एक्सचेंज करते हैं, तो जो आपने एसेट रिसीव किया उसका जो है वो टाइमिंग और कैश फ्लोज वो डिफरेंट हैं, अमाउंट और टाइमिंग कैश फ्लोज के, और जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उसके डिफरेंट हैं, ठीक है। ये बात की उन्होंने, एक्सचेंज ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं, या एक्सचेंज ऑफ एसेट के अलावा बात कर रहे हैं कमर्शियल सब्सटेंस की। कमर्शियल सब्सटेंस होता है कि उसमें कमर्शियली जो है वो चीज़ें डिफरेंट हैं, कमर्शियली जो है वो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, उसे कहते हैं कि उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। और उस केस में क्या करते हैं, उस केस में जो है वो फिर जो एसेट एक्वायर्ड होता है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन प्लस वो जो एक्सचेंज के पॉइंट है ना, प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव्ड, ठीक है। ये एसेट एक्वायर्ड की कॉस्ट जो है वो क्या होगी, वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस कैश रिसीव्ड, ठीक है। और अगर ये ना पता हो तो फिर क्या करते हैं, फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस ना हो तो फिर क्या करते हैं,
फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और कमर्शियल सब्सटेंस ना होने का मतलब क्या है कि उनके बेनिफिट सेम है, टाइमिंग भी सेम है, कैश फ्लोज भी सेम है, तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन पे रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉफिट लॉस जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता। ये जो एक्सचेंज ऑफ एसेट के 3 पॉइंट थे वो इसी पे बेस करते हैं कमर्शियल सब्सटेंस पे। ठीक है, और ये वही लिखा हुआ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है जी, उसके बाद जो है 3.4.6 पूछा, वो इससे पहले है 3.4.6। हाँ जी बताया, रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट सीजेस व्हेन द एसेट इज इन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। यानी कि एसेट जब रेडी फॉर यूज हो जाए तो उसके बाद कोई कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, हमने पढ़ा ना कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या चीजें ऐड करते हैं, जब तक एसेट रेडी फॉर यूज ना उस वक्त तक एक्सपेंसिस, एसेट रेडी फॉर यूज हो जाए तो उसके बाद कोई एक्सपेंसिस ऐड नहीं होंगे उसमें। Therefore, cost incurred in using or redeploying, relocation आपको बता दिया, redeploy किया, are not included in the carrying amount of the asset. Asset की cost में नहीं डालते हैं। उसमें initial operating losses की भी example आपको बताई थी, asset का part नहीं बनेगा, जहाँ वो जो required हमारा जो है वो standard है उस पर नहीं आता और हम कोई मजीद खर्चा कर दें तो वो भी जो है वो asset की cost में plus नहीं होगा, वो maintenance का खर्चा कहलाएगा। Cost incurred by an asset capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use. वो उस लेवल पे नहीं आता और आप उस पर खर्चा करते हैं कि वो उस लेवल पे आ जाए, उस कैपेसिटी को अचीव करे, तो वो एसेट का पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, और एनी अदर पॉइंट? तो ये रिसर्च की एग्जांपल्स हैं, न्यू नॉलेज, सर्च फॉर इवैल्यूएशन एंड फाइनल सेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। हमने रिसर्च फाइंडिंग्स कर दी, उनको कैसे करना है, एप्लीकेशन नहीं कर रहे, एप्लीकेशन करने के लिए सर्च कर रहे हैं। लेकिन इंटेंडेड कंडीशन में लाने वाला तो इंक्लूड नहीं होता कॉस्ट में, तो यही कहा मैंने कि मैंने यही कहा कि एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, कॉस्ट में एडिशन खत्म। ठीक है, वो जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है उसको मीट नहीं कर पा रहा, आप उसमें कोई मजीद खर्चा करें तो उसे जो है वो नहीं इंक्लूड करेंगे एसेट की कॉस्ट में। हाँ जी, किन्होंने पूछा? इफराज ने आपने पूछा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ, यही मैंने बताया कि एसेट एक दफा रेडी फॉर यूज हो जाए उस वक्त तक खर्चा है, उस तक का खर्चा आएगा, रेडी फॉर यूज हो गया, आप उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया, आपने इनिशियली प्रोडक्शन ही पूरी हो रही, लॉसेस हो रहे हैं, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस प्रॉफिट लॉस का पार्ट है, उसका एसेट की कास्ट तल्लुक नहीं है, फिर आप कहते हैं ये क्यों नहीं अचीव कर रहा कैपेसिटीज पे, कुछ खर्चा करो, फलां चीज इस तरह करो, फलां इस तरह करो, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ उसमें खर्चा करते हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी पे पहुंचे, तो वो खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, नेसेसरी कॉस्ट होगी। हमने नेसेसरी की बात ही नहीं की, हमने ये कहा कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, वो क्या होती है, जब तक एसेट रेडी फॉर यूज ना उस वक्त तक का खर्चा। नेसेसरी की हमने कोई बात नहीं की, हमने कहा उस वक्त तक का खर्चा जब तक एसेट रेडी फॉर यूज ना हो, बस उसकी मेंटेनेंस नेसेसरी होती है, उस एसेट में थोड़ी ऐड करते हैं, एसेट को चला देते हैं, उसकी मेंटेनेंस करना नेसेसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसको तो हम एसेट में नहीं ऐड करते, वो तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। ठीक है, तो ये बाद में जो खर्चे उस पे होंगे वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे, एक दफा रेडी हो गया बस खत्म, उसके बाद फिर वो पॉइंट होंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाले, वो जो पड़े कि उससे जो है वो लाइफ बढ़ जाए, उससे जो है वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, मेंटेन नहीं इंक्रीज हो जाए, उससे जो है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, उससे उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाए, तो इस तरह की बातें हैं, तो वो कैपिटलाइज होती है, उसकी कैपेसिटी को अटेन करना है
वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। हाँ जी, ये भी हमने पढ़ा हुआ, कैपिटल एंड रेवेन्यूज के नीचे बातें हैं। ठीक है, चल लो जी एग्जाम्पल्स। रिसर्च फेज, तो अभी हम सर्च कर रहे हैं, हमने एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं की है, हमने एप्लीकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं और इवेल्यूएट कर रहे हैं, फाइनली सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने ये जो रिसर्च फाइंडिंग्स है इनको अप्लाई करना है, तो कैसे करें, कौन से लोगों को इन्वॉल्व करें, कब इसको शुरू करें, कैसे करें, कौन से मटेरियल खरीद के लगाएंगे, उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। अभी थ्योरेटिकल काम हो रहा है, ठीक है, अभी सर्च हो रही है, एप्लीकेशन नहीं हो रही, एप्लीकेशन करने के लिए सर्च हो रही कि हमने रिसर्च फाइंडिंग्स को प्रैक्टिकली करना है, हाँ इस नतीजे पे पहुंच गया, कैसे करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, ये फिजिबल है कि नहीं है, ये क्या होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये पेपर वर्क होता है थ्योरेटिकल सारा, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं कि अच्छा ये काम हो जाएगा, कैसे होगा, कब स्टार्ट करेंगे, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, ये सारी स्ट्रेटेजी उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बनाते हैं। सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटीरियल डिवाइसेस, एक से ज्यादा मटीरियल डिवाइस प्रोडक्ट ऑल्टरनेट, वो सारे हम उसके लिए भी सर्च करते हैं। रिसर्च में ना एक चीज नहीं होती, रिसर्च में जो है वो बीसियों चीजों के बारे में गौर करते हैं, सोचते हैं, फिर उसमें से कोई फाइनल आउटकम होती है जिसके साथ हम आ जाते हैं, और फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन डिजाइन एंड इवेल्यूएशन ऑफ फाइनल सेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है उनमें से फिर फाइनली हम कहते हैं इवेल्यूएट करके देखते हैं कि हाँ जी कौन सा जो है वो हम फिर करें, ठीक है, कौन सा करें। तो ये जब तक फाइनल नहीं हो जाता बिल्कुल, तब तक जो है वो जितना काम होगा ऑल्टरनेट्स देख रहे हैं, उसमें फिर कौन सा फाइनल किया, जो फाइनल किया उसको भी करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक मेथड फाइनल करते हैं, ये सारा काम ये रिसर्च फील्ड है, ये सारा थ्योरेटिकल वर्क था, इसमें कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। अब अगर इससे आगे बढ़े तो फिर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। प्रोटोटाइप क्या होते हैं, सैंपल नमूने, ट्रायल बेसिस पे जो हम कुछ यूनिट्स बनाते हैं उसके प्रोटोटाइप्स कहते हैं। डिजाइन, डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, टूल्स जिग्स मोल्ड डाइज एक ही चीज है, सांचे जो होते हैं डाइयर मोल्ड जिग है सबका एक ही मतलब है। इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी, फिर डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट That is not of a scale economically feasible for commercial production. बाद में उसका कोई यूज नहीं होना। फिर आखिरी डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ चोजन ऑल्टरनेटिव, जो हमने फाइनली ऑल्टरनेट चूज किया हुआ था उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं, यानी टेस्टिंग ट्रायल रन, टेस्टिंग कॉस्ट भी आ गई। पायलट प्लांट क्या होता है, पायलट प्लांट क्या बता तो दिया, क्या होता है समझ आ गई। पायलट प्लांट क्या होता है, हमने जो है वो प्रोडक्शन का सोचा है, उसके लिए प्लांट लगाएंगे, वो 100 मिलियन का प्लांट होगा, 100 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़, ठीक है। जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो तब हम ये 10 करोड़ का प्लांट नहीं खरीदते, हाँ जी, जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं तब हम ये 10 करोड़ का प्लांट नहीं खरीदते, तब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्लांट मुन्ना सा खुद बना लेते हैं, खरीद भी सकते हैं, छोटा मोटा प्लांट खुद बना लिया हमने, डिजाइन कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, उस प्लांट को यूज करके कुछ यूनिट्स बना के देखते हैं। मसलन हमने वो प्लांट बनाया और उसको यूज किया, यूज करके हमने 10 यूनिट बना लिए, कितने अरसे में, 6 महीने, छोटा सा प्लांट था, टाइम ज्यादा लगेगा बनाने पर, 6 महीने लगाए, 10 यूनिट बन गए, कामयाब हो गए। अब हम ये बड़ा प्लांट लगाएंगे, ये बड़ा प्लांट जो है ये कितने यूनिट बनाएगा एक दिन में, हाँ जी कितने यूनिट बनाएगा एक दिन में, क्या ख्याल है, ये भी 6 महीने में 10 बनाएगा, ये एक दिन में 1000 यूनिट बना देगा, शाबाश। तो आप मुझे बताएं, जब ये 100 मिलियन का प्लांट लग जाए और एक दिन में 1000 यूनिट बना रहा हो, तो निक्का प्लांट जरा निकी जी प्लांटी है, 6 महीने में 10 यूनिट बनाने वाली प्लांटी, ये किसी फायदे, ये कोई फायदा हमें देगी, इसको हम यूज करेंगे,
या इसको जो है वो सैड करा देंगे, इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, नो यूज इन कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम बेच देंगे, तो इस पे जितनी कॉस्ट आएगी, फर्ज करें हमने बनाया ये 4 लाख रुपए का बना, बाद में बिक जाएगा कितने का, 30,000 रुपए, तो 3,70,000 रुपया जो है वो हमारा क्या होगा, ये डेवलपमेंट कॉस्ट को चार्ज हो जाएगा, ये डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, इस तरह से होगा। अगर जीरो पे बिकता है तो सारे का सारा 4 लाख उसका पार्ट बन जाएगा। तो ये होता है पायलट प्लांट, एक छोटा सा प्लांट जो हमने टेम्परेरीली बनाया और उसको अभी यूज करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फारिग कर देंगे उसे। ओके, अब हम सवाल करने से पहले एक एक टेबल बना हुआ ये देख लेते हैं, बल्कि आप इसको देखें, रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स लिखी हुई है, इनको पढ़ें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इनको पढ़ें, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करेंगे, 2-3 मिनट लगाएं, रिसर्च की एग्जांपल्स क्या है, डेवलपमेंट की क्या है।
हाँ जी, पढ़ लीजिए एग्जाम्पल्स। एडवांस में और अप्लाइड रिसर्च कॉस्ट में डिफरेंस जरूरत ही नहीं है हमें। रिसर्च पर हमें बेसिक होए, एडवांस होए, अप्लाइड होए, कोई मर्जी होए, उसको हमेशा एक्सपेंस करते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। ना हमें जरूरत है इस चीज की एडवांस और अप्लाइड के, बेसिक है सादा सी, एडवांस उससे आगे, अप्लाइड उससे भी आगे। ठीक है जी, परचेज ऑफ रिसर्च वर्क। कोई काम कर रहा था मार्केट में, रिसर्च कर रहा था, उससे पूछा हाँ भी क्या बना तुमने वो शुरू किया था, उसने कहा जी मैं तो छाटता। हम उसे पूछते हैं, हम बजाय इसके हम जीरो से काम शुरू करें, हम उससे पूछते हैं क्या काम किया था, दिखाओ यार मुझे, बताते मैंने ये जो है वो रिसर्च की। हम कहते हैं हमें दे दो, ठीक है जो रिसर्च की हुई है वो हमें दे दो, हम उसे वो रिसर्च खरीद लें और फिर उससे आगे काम शुरू करते हैं। तो इस तरह किसी का किया हुआ काम भी हम खरीद सकते हैं। तो रिसर्च वर्क हमने खरीद लिया और बाकी सारे पते वही हैं, एक्सपेंसेस ऑन सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव, एक्सपेंस ऑन वैल्यूएशन, रिम्यूनरेशन ऑफ रिसर्च स्टाफ, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट अभी मैंने बता दिया। कोई एसेट जो है वो रिसर्च फेज में यूज हो तो उसकी डेप्रिसिएशन, तो रिसर्च कॉस्ट को चार्ज होगी, और रिसर्च कॉस्ट जितनी भी होती है उसे हम एक्सपेंस चार्ज करते हैं। ले जनाब आगे चलते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट देखें वो ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन फाइनल डिजाइन, प्रोटोटाइप्स, डिजाइन डिजाइन ये सारा वही है। रिम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ वर्किंग इन डेवलपमेंट फेज सिंपल हो गया। डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन, जो डेवलपमेंट फेज में हम कोई एसेट यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, एसेट को रजिस्टर कराएं उसके बगैर वो यूज नहीं हम कर सकते, तो वो भी जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट होगा। जैसे कोई पेटेंट हो उसको रजिस्टर कराएं, डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट होगा। ओके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। ये आ गया क्वेश्चन नंबर टू। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू में क्या है बताएं, एक्सपेंस क्या होगा और कैपिटलाइज क्या करना है, एक्सपेंस क्या होगा और कैपिटलाइज क्या करना है। और आइटम हमें दिए हुए चार अदद, एक दो तीन चार अमाउंट्स ही। ऊपर पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, चाइल्ड केयर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड डीलिंग इन पेडियाट्रिक मेडिसिन सेंड्स वन ऑफ देयर रिसर्च साइंटिस्ट टू यूके। उन्होंने जो है वो क्या किया, फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने एक साइंटिस्ट को यूके भेज दिया फॉर एडवांस रिसर्च प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन विद चेस्ट रिलेटेड डिजीजेस। द रिसर्च वेंट सक्सेसफुल एंड द इनिशियल लैबोरेटरी टेस्ट गेव पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ द मेडिसिन। द कंपनी इंटेंड्स टू मार्केट द प्रोडक्ट एंड फॉर दिस पर्पज ए टेक्निकल फिजिबिलिटी वाज प्रिपेयर्ड which proves that if medicine is developed for which all technical and financial resources are available, there is a good market of the product. आप देखें पैराग्राफ में बातें बता रहा है, कौन सी बातें बता रहा है, कौन सी बातें बता रहा है, टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंस टू मार्केट, मार्केट एग्जिस्ट करती है, गुड मार्केट है, उसके बाद जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो पॉइंट बता रहा है हमें बातों बातों में, वो सारे पॉइंट कंडीशंस बताई जा रहा है कि ये भी पूरी हो रही है, ये भी पूरी हो रही है। हाउएवर द कंपनी हैज टू डिजाइन वन ऑफ इट्स प्रोडक्शन लाइंस, द कंपनी रजिस्टर्ड द पेटेंट ऑफ द मेडिसिन नेम्ड चाइल्ड हेल्थ। फॉलोइंग इज द डिटेल, ऑफ कोर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज ऑफ द मेडिसिन चाइल्ड। पॉइंट सारे पूरे तो नजर आ रहे हैं, सारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं, देख लें कोई रहता तो नहीं, कोई मिस तो नहीं हो रहा, रिसोर्सेज भी हैं, इंटेंशन टू कंप्लीट भी है, फिजिबल भी है,
मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, और फिर था कि अमाउंट पता लग जाए, तो ये अमाउंट सबकी अलग अलग बताई हुई है तो वो भी पता है। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट स्टे इन यूके इंक्लूडिंग फीस फॉर अटेंडिंग सेमिनार्स एंड लेक्चर्स, बताएंगे ये क्या है, ये रिसर्च है कि डेवलपमेंट है। ये रिसर्च फेज है, रिसर्च कॉस्ट है। फी फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी जो है ये रिसर्च का पार्ट होता है। उसके बाद है डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ये क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट है, और ये रिसर्च कॉस्ट की पर। उसके बाद पेटेंट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूडिंग अटॉर्नी फी एटसेट्रा, तो ये भी क्या है, ये भी डेवलपमेंट कॉस्ट है। चार आइटम थे, दो रिसर्च के दो डेवलपमेंट के, ए पार्ट में लिखेंगे क्या ये दोनों आइटम, और बता देंगे कि ये रिसर्च कॉस्ट है, रिसर्च फेज में इंकर हुआ इसलिए इसको एक्सपेंस आउट करना है, और बाकी फिर बी पार्ट में क्या लिखेंगे ये दो लिखेंगे और बता देंगे कि ये डेवलपमेंट फेज में कॉस्ट इंकर हुई और ऑल सिक्स कंडीशंस आर बीइंग मेट सो इट विल बी कैपिटलाइज्ड, कर देंगे सवाल लिख के, करें शाबाश, लगाएं 3 से 4 मिनट। सेकंड कॉस्ट कौन सी है, सेकंड कॉस्ट फी फॉर प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबिलिटी जो बनाते हैं वो रिसर्च का पार्ट होता है, तो आपको बता दिया ना रिसर्च फेज में फिजिबिलिटी भी बनती है कि क्या ये फिजिबल है कि नहीं है हमारे लिए काम करना, तो वो रिसर्च फेज में बनाते हैं, रिसर्च फेज में फिजिबिलिटी बनाते हैं, फिर वो आगे जो है वो कमेटी को या डायरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं, फिर डायरेक्टर अप्रूव करते हैं कि हाँ डेवलपमेंट कर लें, इस तरह से चलता है। सिर्फ कैलकुलेशन कर देनी या थ्योरी भी लिखनी, मैंने अभी बताया कि ये दोनों कॉस्ट लिखेंगे और लिख के बताएंगे कि ये कॉस्ट जो है ये इनकर हुई किस में, दिस कॉस्ट आर इनकर्ड हैव बीन इनकर्ड इन रिसर्च फेज, रिसर्च फेज में इनकर हुई इट मींस कि ये क्या है, दीज आर These are research costs. So it will be as per IS-38, it will be recorded as expense. It will be expense out in SOC. इसको SOC में expense चार्ज कर देंगे, साथ ही लिख देंगे, ठीक है, दोनों अमाउंट्स लिखेंगे, टोटल कर देंगे और बता देंगे ये रिसर्च फेज है और रिसर्च फेज में जो कॉस्ट इनकर होती है उसे रिसर्च कॉस्ट कहते हैं, उसे हमेशा एक्सपेंस लिखते हैं। इसी तरह बाकी दो आइटम बी पार्ट में लिखेंगे, लिख के हम बताएंगे ये डेवलपमेंट कॉस्ट एंड डेवलपमेंट फेज में इनकर हुई, इनको कैपिटलाइज कर देंगे बिकॉज ऑल सिक्स कंडीशन आर बींग मेट, बस जवाब दोगे। चलिए लिख लें शाबाश, 2-3 मिनट लगाएं, 4 मिनट लगाएं, फिर आगे पढ़ते हैं।
हाँ जी, सवाल पूछा है कि डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसे कैपिटलाइज करते हैं तो उससे फिर अमोर्टाइजेशन भी चार्ज करेंगे, एसएफपी में रिकॉर्ड भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कैपिटलाइज करने का मतलब ही है उसने बैलेंस शीट में जाना है, और अमोर्टाइजेशन अभी हमने डिस्कस करनी है। बिल्कुल अमोर्टाइज करेंगे, अमोर्टाइज भी करेंगे। सही कहा आपने। हाँ जी, कर लिया सवाल, लिख लिया। बाकी लोग क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर की रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईच ऑफ द अबव कॉस्ट। हर एक की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बतानी है अलग अलग। इनकर्ड बाय द कंपनी इन द लाइट ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 38 इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, कोई टोटल शोटल नहीं मांगा हुआ। उसने कहा हर एक की ट्रीटमेंट बता दें, कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अमाउंट्स दिए, 10 आइटम है जी। सोल्यूशन नहीं देखना, इनको एक दफा जरा देख लें 10 आइटम्स को। मैं अभी सारा सवाल करवाता हूँ, आप इन 10 आइटम्स को जरा देख लें, ऊपर भी देख लें क्या लिखा है। 2 3 मिनट फिर मैं अभी पूरा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। थोड़ा सा देखिए ना, आइडिया लगाए, टूल्स हैं, फर्निशिंग है ऑफ लेबोरेटरी वगैरह वगैरह, और क्या चीजें लिखी हुई हैं, फिर इसको करते हैं। अभी 2 मिनट बस आपके पास। नहीं जनाब, क्वेश्चन है, फोकस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। द कंपनी स्पेंड्स हैवीली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इंट्रोड्यूस इंप्रूवमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओके, फ्रीलांस रिसर्चर मिस्टर टैलेंट सेंट अ कॉन्सेप्चुअल पेपर टू द कंपनी ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्टर व्हिच विल सिग्निफिकेंटली एनहांस द लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसने कहा जी एक कॉन्सेप्ट पेपर भेजा कि जी हम इस तरह से ये कर सकते हैं, नया जो है वो डेवलप कर सकते हैं प्रोजेक्टर,
जो कि लाइफ भी ज्यादा होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी. एन एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन मिस्टर टैलेंट एंड द कंपनी वे बाय मिस्टर टैलेंट एग्री टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस एट अ लमसम रिम्यूनरेशन ऑफ 8 मिलियन. तो उससे रिम्यूनरेशन डिसाइड हो गई, पैसे डिसाइड हो गए, कितने पैसे लेगा वो. 8 मिलियन रुपया लेगा, सिर्फ 80 लाख रुपए. हाउएवर इन केस द रिसर्च वॉज अनसक्सेसफुल, अगर ना कामयाब हुए, he agreed to reduce his remuneration to a time based salary of 2000 rupees per hour. usne kaha fir jitna time lagega 2000 per hour ke hisab se denge, kaam khatam. okay ji, ye to uske sath agreement ho gaya. to usne kya karna hai, usne research or development pura process complete karwana hai hamara. the process of research commenced from july 2006 mein jo hai wo start kiya, aur june 30 tak एक साल, जुलाई से लेके जून तक कॉस्ट जो इंक्री हुई है, टूल्स कंज्यूम्ड. हाँ जी बताएं, टूल्स कंज्यूम्ड जो है ये क्या होगा, ये डेवलपमेंट होगी, रिसर्च होगी, ये क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी टूल्स कंज्यूम्ड. हमें देखना होगा ये जो टूल्स कंज्यूम हुए ये किस फेज के दौरान हुए. अगर ये रिसर्च फेज के दौरान हुए तो ये रिसर्च कॉस्ट होगी, और अगर ये डेवलपमेंट फेज के दौरान इनकर हुए, इन यूज हुए, कंज्यूम हुए, तो फिर ये डेवलपमेंट कॉस्ट होगी तो देखना पड़ेगा किस स्टेज पे ये इनकर हो रहा है. अगर ये रिसर्च फेज में हुआ तो रिसर्च कॉस्ट है, और इसे हम क्या करेंगे, एक्सपेंस चार्ज कर देंगे एसोसिएट, क्योंकि रिसर्च हमेशा एक्सपेंस होती है. और इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे, और कैपिटलाइज करने के लिए जरूरी है कि वो 6 कंडीशंस पूरी हो. अच्छा, वो आपने पूछा तो बेसिक रिसर्च, एडवांस रिसर्च, एडवाइज रिसर्च, वो एक्चुअली वर्ड इसलिए एग्जांपल्स में लिख दी है कि वो क्वेश्चन में कभी अप्लाइड रिसर्च का वर्ड यूज करता है, कभी एडवांस का, कभी बेसिक का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रिसर्च कोई भी हो वो रिसर्च ही होती है, और वो एक्सपेंस ही चार्ज करना होता है. उसकी वजह का हमने कल डिस्कस कर ली थी. ये था जी पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है फर्निशिंग ऑफ अ न्यू लेबोरेटरी. हाँ जी, फर्निशिंग ऑफ न्यू लेबोरेटरी. बता दें जी, ये रिसर्च फेज है या डेवलपमेंट फेज है. नई लेबोरेटरी हमने फर्निश की है, एस्टेब्लिश की है, लैब में रिसर्च होती है. ये जनाब एक टेंजिबल एसेट है. ये लैब जो हमने बनाई ये टेंजिबल फिक्स एसेट है, और ये जो है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में रिकॉर्ड होगा IS 16 के मुताबिक. ठीक है, फिर इससे आगे बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो इस पे चार्ज होगी वो ड्यूरिंग रिसर्च फेज जो डेप्रिसिएशन बनेगी. आपने कहा ना कि उधर बैठ के रिसर्च करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो वो रिसर्च कॉस्ट होगी, एक्सपेंस बनेगा. और डेवलपमेंट फेज में जो डेप्रिसिएशन होगी वो डेवलपमेंट कॉस्ट बनेगी, और उसे जो है वो कैपिटलाइज कर देंगे. कंडीशंस पूरी हो रही, ये जो कंडीशंस है ना बार बार हर पॉइंट में लिखने की बजाय उसका एक अच्छा तरीका है
कि हम एंड में एक नोट लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे जितनी भी डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कैपिटलाइज होंगी अगर 6 कंडीशन पूरी हो जाए, एज्यूमिंग की कंडीशन पूरी हो रही थी, ठीक है, तो वो हमारा जो है वो काम ठीक हो जाएगा। तो ये जनाब एक फिक्स एसेट टेंजिबल की बात हो रही थी कि एक लैब हमने स्टेब्लिश कर दी, वो टेंजिबल फिक्स एसेट है, उसकी डेप्रिसिएशन रिसर्च फेज में जो है वो एक्सपेंस हो जाएगा और जो डेवलपमेंट फेज में वो कैपिटलाइज कर देंगे। अगला पॉइंट, अब आप किताब अपने सामने रखें, मैं भी बुक से देखता हूं क्योंकि ये तो दोबारा बात बार बार उधर ही चला जाता है। सैलरीज पेड टू रिसर्च एसोसिएट्स, बता दें ये रिसर्च कॉस्ट है, रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उनको सैलरीज पे की, रिसर्च कॉस्ट, रिसर्च फेज में इंक्लूड हुआ रिसर्च एक्सपेंस, रिसर्च कॉस्ट और ये एक्सपेंस होगा, ठीक है, हर आइटम को अलग अलग हमने बताना है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट इन यूके ऑन अ डिवाइस विच वाज अल्टीमेटली यूज इन फाइनल प्रोडक्ट, टेस्ट हमने कंडक्ट किए, जो टेस्टिंग हम कर रहे होते हैं वो क्या होता है, ये टेस्टिंग कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो डेवलपमेंट फेज में आती है, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट कहलाएगी और इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद है रेम्यूनरेशन पेड टू मिस्टर टैलेंट ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च कॉस्ट, हमने रिसर्च करवाई सक्सेसफुल हो गई, कंप्लीट हो गई रिसर्च, हमने उसको पैसे दे दिए, कितने 4.5, पूरे नहीं दिए अभी 8, इसका मतलब है ये रिसर्च के पैसे हमने उसे दे दिए। उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन प्रिपेयरिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी जो बनाते हैं वो भी रिसर्च फेज होता है, तो फिजिबिलिटी प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी इज पार्ट ऑफ रिसर्च फेज, ठीक है, इट्स प्रिपेयर्ड इन द रिसर्च फेज, तो ये भी रिसर्च कॉस्ट है। फिर है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द सैंपल्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले सैंपल्स बनाए, प्रोटोटाइप्स बनाए, सैंपल्स बनाए, ये डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट फेज होता है, तो इसे हम कैपिटलाइज कर देंगे। मटीरियल इंपोर्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, हाँ जी मटीरियल इंपोर्ट किया हमने, एक्सपेंस कहेंगे उसको, परचेजेस कहेंगे, फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ये स्टॉक है हमारा, ठीक है, परचेजेस है, स्टॉक में चला जाएगा, जब इसको यूज करेंगे तो फिर कहां लेके जाएंगे, हाँ जी जब यूज करेंगे फिर रिसर्च में डालेंगे, डेवलपमेंट में डालेंगे, फिर इसको डेवलपमेंट में डाल देंगे, फिर जनाब इसको सीएस में डाल लेंगे, इसका रिसर्च डेवलपमेंट किसी से ताल्लुक नहीं है, दोनों में से किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल प्रोडक्शन लिखा हुआ है, कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब उसको कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज करना है, ट्रायल प्रोडक्शन में नहीं यूज हो रहा, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हमने मटीरियल खरीदा, तो वो सीजीएस में जाएगा, रूटीन में प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा, हाँ जी टूल्स कंज्यूम का पूछा, ये लिखा हुआ है कि अगर वो रिसर्च फेज में कंज्यूम होते हैं तो रिसर्च कॉस्ट, अगर डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कब यूज हो रहे हैं, किस फेज में यूज हो रहे हैं, तो जिस फेज में यूज होंगे उस कॉस्ट का पार्ट बनेगा।
जी अगला आइटम, फाइनल पेमेंट टू मिस्टर टैलेंट। ये किस चीज की पेमेंट है? रिसर्च की तो हमने पहली कर दी, जाहिर है डेवलपमेंट कॉस्ट है, डेवलपमेंट फेज की हमने पेमेंट किया उसको, तो ये डेवलपमेंट कॉस्ट है। उसको हमने रिसर्च और डेवलपमेंट का 8 मिलियन देना था, सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गई रिसर्च की, हमने उसको 4.5 दे दिया, बाकी 3.5 दे रहे हैं फाइनली, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट कॉस्ट का पार्ट, ठीक है। रिसर्च के पैसे हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और आखिरी प्रोडक्ट लॉन्चिंग का खर्चा, प्रोडक्ट लॉन्चिंग क्या होता है? रिसर्च का डेवलपमेंट, ये मार्केटिंग का खर्च है, ये मार्केटिंग का खर्चा है। प्रोडक्ट प्रमोशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो ये एसोसिएट में एक्सपेंस डाल देंगे, ना ये रिसर्च है ना डेवलपमेंट है, ये वैसे ही एसोसिएट में एक्सपेंस चला जाएगा। जी जनाब, पूरा सवाल आपके सामने, कोई पॉइंट हो तो बताएं। हाँ जी, एनी पॉइंट, 2 मिनट लें, देखें, लिखें, कोई बात हो तो पूछें। हाँ जी पूछा, फर्निशिंग, फर्निशिंग का मतलब है नई लेबोरेटरी बनाई, कंस्ट्रक्ट की, वो हमारा फिजिकल एसेट है, टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ जी, इसी क्वेश्चन को लिखें, लिख के पॉइंट्स करें सारे, 2-3 मिनट आपको दे रहा हूं। आठ मिलियन की जो पेमेंट थी वो किसके लिए थी? वो थी रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों के लिए, ये लिखा हुआ, कंडक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, क्या चीज, रिसर्च भी और डेवलपमेंट भी, और उसकी लमसम रिम्यूनरेशन 8 मिलियन, ठीक है। आगे कहा था अगर रिसर्च कामयाब नहीं होती तो फिर उसको 2000 रुपया पर आवर देके फारिग कर देंगे, तो ये 8 मिलियन जो है रिसर्च और डेवलपमेंट की टोटल अमाउंट है। हाँ जी, और देख लें, सोच लें, हाँ जी, सैंपल्स डेवलपमेंट कॉस्ट कैसे, सैंपल बनाते हैं तो वो डेवलपमेंट ही करते हैं, रिसर्च में तो नहीं ना सैंपल बनेंगे, कोई नई प्रोडक्ट बनाने का सोचा उसके सैंपल्स बनाएंगे तो वो डेवलपमेंट प्रोसेस जो होगा, डेवलपमेंट फेज जो होगा उसमें बनेंगे। प्रोडक्ट लॉन्चिंग जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंस है क्या? जी ये देखें, ये मैंने लिखा कि मार्केटिंग है, हमने पीछे एग्जांपल्स में भी पढ़ा कि सैंपल्स जो है वो डेवलपमेंट कॉस्ट है,
डेवलपमेंट फेज में सैंपल बनते हैं, और सैंपल बनाती ही नहीं है कि हम बना के देखें जो हमने सोचा वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जी और कोई पॉइंट? लिख लिया सवाल, लिख के कर लिए पॉइंट्स। ले जी, बात हमारी चल रही थी इंटेंजिबल एसेट्स की और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स पे बात हो रही थी। अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स उनके बारे में आईएस क्या कहता है वो देखते हैं जरा। अदर इंटरनली जनरेटेड एसेट्स के गुडविल, ब्रांड नेम, कोई पब्लिशिंग टाइटल है, कस्टमर लिस्ट है, बॉस हेड्स हैं वगैरह वगैरह। आईएस ने जिक्र किया इन चीजों का कि और भी इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं, जैसे गुडविल है, ब्रांड नेम है, पब्लिशिंग टाइटल है, टाइटल आपकी पब्लिशिंग पब्लिश करते हैं कुछ, तो कस्टमर लिस्ट है जो आपके कस्टमर उनकी एक लिस्ट बना ली जाए, मॉस हेड्स वगैरह। इंटरनली जनरेटेड की बात हो रही है, विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड, उनको नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्या इंटेंजिबल एसेट्स। उनको इंटेंजिबल एसेट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते। हाँ, अगर मार्केट से खरीदेंगे तो फिर रिकॉर्ड करेंगे, मास एट लोगोस जो होते हैं उसको कहते हैं मास एट, MASTHEAD, मास एट्स लोगोस। अगर परचेज करेंगे तो फिर इनको रिकॉर्ड कर लेंगे। Then these will be recorded as intangible assets. ये क्या बात है?
खरीदें तो उनको इंटेंजिबल एसेट बना लें, खुद से जनरेट करें तो ना बनाए। ये क्या बात है, नोट कर लिया कि अगर इंटरनली जनरेटेड होंगे तो उनको इंटेंजिबल एसेट नहीं लिखेंगे, और अगर उनको हम बाय करेंगे तो फिर हम इन्हें इंटेंजिबल एसेट लिख देंगे। बचा आप मुझे बताएं गुडविल बनाने पे कितना खर्चा आया, कैसे पता लगेगा गुडविल बनाने पे कितना खर्चा, गुडविल बनाने पे खर्चा क्या आता है, कोई पैसे लगते हैं गुडविल बनाने पे, रेपुटेशन बनाने पे? एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। हाँ जी, गुडविल बनाने पे कोई खर्चा होता है, कोई पैसे लगते हैं, ये मुफ्त में गुडविल बन जाती है, गुडविल बनाने पे कोई पैसा नहीं लगता, कमाल कर दिया आप। ये नो किसका जवाब दिया है कि पैसा नहीं लगता उस पे? उसपे तो मतलब मैं गुडविल एम ही बन जाती, ऐसे नहीं होता। चले गुडविल बनती कैसे है ये बताएं, क्वालिटी अच्छी हो तो गुडविल खुद ही बन जाती, सिर्फ क्वालिटी कोई और चीज नहीं, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हो और हाँ जी और इकोनॉमिकल टू बाय। चले मैं अभी बताता हूँ, पहले ये पॉइंट एक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हाँ जी ये देखें, ये 4.4.4 है, पेज नंबर है 525, उस पर लिखा हुआ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, स्मॉल सेट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एंड आइटम सिमिलर इन सब्सटेंस शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। क्यों? उसने कहा इन पे जो खर्चा होता है ना, वो जो बिजनेस आप कर रहे हैं एज अ होल, वो सारा खर्चा इन चीजों पे बनाने पे लग रहा है, आप इसकी अमाउंट ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। Therefore, such items are not recognized as intangible assets. मतलब गुडविल बनाते हैं आपने का क्वालिटी, ओके, इसका मतलब है हमारा जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है वो जितना खर्चा है वो गुडविल बनाने पे लग रहा है, ऐसे ही ना। हम क्वालिटी कॉन्शियस है, हम ISO सर्टिफाइड प्रोडक्शन करते हैं, तो ISO सर्टिफिकेशन करवाइए और उसका जो प्रोडक्शन सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली किया, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सारा गुडविल बनाने पे लगा। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कैसी होती है, प्रोडक्ट बेचें आफ्टर सेल सर्विस दें, इसका मतलब है आफ्टर सेल सर्विस जो दे रहे हैं वो सारा जो है वो आपका गुडविल बनाने पे लगा, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज अच्छा डील करते हैं तो इसका मतलब है आपके एम्प्लॉयज गुडविल बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी दे रहे हैं वो गुडविल बनाने पे लग रही है। कहता है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस एज अ होल जो है ना वो सारी इन पे लग रही होती है, तो उसमें से कितनी अमाउंट निकाल के उसको चार्ज करेंगे वो नहीं कर सकते, कॉस्ट नहीं उसकी आइडेंटिफाई हो सकती इस वजह से। हाँ अगर खरीदेंगे तो फिर कैपिटलाइज कर लेंगे, क्योंकि फिर तो पता होगा इतने का खरीदा। ये देखें यहाँ गुडविल की भी जिक्र कर दिया, इंटरनली जनरेटेड गुडविल शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट, ठीक है, इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्स, उसको आइडेंटिफाई नहीं हो सकता वो, क्या नॉट सेपरेबल और डज नॉट इट अराइज फ्रॉम Nor does it arises from contextual or legal rights, कोई राइट वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई का मैंने बताया था, ये मतलब भी होता है कि अमाउंट कितनी, तो हम उसकी अमाउंट ही नहीं कैलकुलेट कर पा सकते, ठीक है, तो उसकी अमाउंट नहीं पता लगेगी, उसकी कॉस्ट नहीं पता चलेगी, ये प्रॉब्लम है। गुडविल सेल कर सकते हैं जी, गुडविल नहीं बिकती, गुडविल कैसे बेचते हैं बताएं मुझे, गुडविल कैसे बेचते हैं,
कोई बंदा आ जाएगा जी थोड़ी गुडविल दे दो, कहा चल 5,000 की गुडविल ले जा, गुडविल तो नहीं बिकती है, गुडविल कैसे बिकेगी, ब्रांड नेम की बात नहीं हो रही, गुडविल की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम ब्रांड नेम बेच देते हमें पैसे मिल जाए, आईएस ने ये तो मना नहीं किया कि आप ब्रांड नेम बेच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा उसको डेवलप करने पे कितनी कॉस्ट आई वो नहीं पता, इसलिए उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे आप, बेचने का तो कोई बात ही नहीं की। हाँ गुडविल बिकती है जब बिजनेस बेचते हैं तब गुडविल बिकती है, वैसे नहीं बिकती है, थोड़ी सी गुडविल बेचते हैं ऐसे थोड़ी होता। गुडविल परचेज कैसे करते हैं, चलिए ये बताएं, गुडविल परचेज कैसे करते हैं, हमने कहा ना गुडविल खरीद लेंगे मार्केट से, कैसे खरीदेंगे, गुडविल खरीद सकते हैं, जो खरीदेंगे वो जो है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे एज एसेट, वो गुडविल कैसे परचेज होगी, दुकान पे जाएंगे जाके कहेंगे कि भाई जान दुकानदार साहब भले मेरी रेपुटेशन खराब हो गई तो 100 रुपये की रेपुटेशन दे देना किलो के हिसाब से, वो कहेगा चल 100 रुपये किलो, 500 रुपया कट के 5 किलो तेनों मैं दे देना गुडविल, फिर आप उसको 500 रुपये दे देंगे, फिर सारे ने कहेगा बच्चा बहुत अच्छा है, गुडविल बन जाएगी। हाँ जी ये जनाब बिजनेस खरीदते हैं जब ये कब बनती है, बिजनेस कम्बिनेशन में, देन एनी बिजनेस इज एक्वायर्ड, तो तब गुडविल हक खरीदी जाती है बिजनेस के साथ, वैसे नहीं होता किलो 2 किलो गुडविल ले लो। ठीक है वो कैसे होता है, हम कहते हैं बिजनेस खरीदा कितने का, परचेज कंसिडरेशन, हमने जो 6 मिलियन रुपया दिया बिजनेस खरीद लिया, उसके एसेट्स कितने थे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, जो हमने उसकी एसेट्स लाइबिलिटी टेक ओवर की उनकी फेयर वैल्यू देखें क्या है, मार्केट में उनकी फेयर वैल्यू जो है वो कितनी है, वो है 5.3 मिलियन फर्ज करें, तो इसका मतलब होगा हमने 7 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो दिया वो तो किस बात का दिया, वो गुडविल का दिया, इसे कहते हैं गुडविल परचेज और इसे बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी इस तरह होता, इस तरह गुडविल खरीदी जाती। राइट, गुडविल परचेज्ड। ले जाओ आगे बढ़ते हैं, अदर इंटेंजिबल एसेट्स की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन की। हाँ जी अमोर्टाइजेशन किस पे चार्ज करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स पे, कैसे चार्ज करते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होगा, ये देखना होगा कि जो इंटेंजिबल एसेट है उसकी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ जो है वो फाइनाइट है या उसकी लाइफ इनडेफिनेट है। हाँ जी उसकी लाइफ फाइनाइट है या इनडेफिनेट, अगर तो लाइफ इंडेफिनेट होगी तो फिर कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होगा, नो अमोर्टाइजेशन इज चार्ज्ड।
जब लाइफ लिमिटेड ना हो तो मोटिवेशन कैसे लगाएं? हाँ, रिव्यू करते रहेंगे रेगुलरली। उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहें। रेगुलर का मतलब क्या है कि हर साल, हर साल उसको देखते रहें, क्या अभी भी लाइफ अनलिमिटेड है, इनडेफिनेट है? जब कभी पता लगे कि लाइफ जो है वो लिमिटेड हो गई, व्हेन एवर लाइफ इज फाइनाइट, जब पता लगे कि लाइफ जो है वो लिमिटेड हो गई, फाइनाइट हो गई, तो क्या करें? मोटिवेशन चार्ज करना शुरू कर दें, स्टार्ट मोटिवेशन। जी, नोटेड। हाँ जी, नोट कर लिया। इसके बाद अगर लाइफ फाइनाइट हो तो फिर मोटिवेशन कैसे चार्ज करते हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल। आज आपने क्या करना है, जो चीजें आज हमने डिस्कस की उनको जो है वो आप दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 किया तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो है उनको भी आप दोबारा एक दफा सही तरह लिख के करें, ठीक है? कल हम आगे ये पॉइंट पढ़ेंगे, एक दो और पॉइंट इंशाल्लाह नए क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? ले जनाब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।